नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल शेयर बाज में। आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्राइडेंट लिमिटेड की। जी हाँ, आप जैसे व्यूअर हैं उनकी रिक्वेस्ट पर मैं ये वीडियो लेके आ रहा हूँ। काफ़ी टाइम से एक ही फेज़ में एक ही रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, एक रेंज में फंसा हुआ है। तो क्या कुछ संभावनाएँ निकल कर आती हैं, क्या करना चाहिए, यहाँ पर FII ने अपनी होल्डिंग्स को बढ़ाया है, तो सब पे चर्चा करेंगे और लास्ट में इंपॉर्टेंट लेवल्स भी हम लोग जानेंगे। आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इस वीडियो को प्लीज़ अंत तक जरूर देखिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले ये हमारा टेलीग्राम चैनल है गाइस, आप चाहें तो इसको ज्वाइन कर लीजिए। इसी नाम से एक्जैक्टली सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। यहाँ पर मैं कोई टिप वगैरह नहीं देता हूँ, ना ही मैं टिप पर विश्वास रखता हूँ, और आपको भी यही सलाह देता हूँ कि बच के रहिए। यहाँ पर केवल इंपॉर्टेंट न्यूज़ और अपने वीडियोज़ के लिंक वगैरह शेयर करता रहता हूँ, क्योंकि कई बार यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं देता और कई बार तुरंत वीडियो बना पाना पॉसिबल भी नहीं होता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने विकास लाइफ केयर पर वीडियो डाला, यहाँ पर तीन बड़ी खबरें निकल कर आई हैं विकास लाइफ केयर पर, अगर आपने नहीं देखा तो जाके देखिए। उससे पहले FCS सॉफ्टवेयर पर मैंने वीडियो डाला है, उससे पहले सुजलॉन भी डाला है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आप लोग ये वाला ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको यहाँ पर जानकारी मिलती रहेगी, तो हो सकता है आपके लिए बेनिफिशियल हो। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं गाइस कि किसी भी ग्रुप में नहीं है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। ना ASM में है, ना GSM में है, और ना ही ESM में है। तो ये अच्छी चीज़ है। फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 38.61 रुपये पर क्लोथिंग दी इसने, 0.26% डाउन। यहाँ पर ओपन हुआ था 37.84 रुपये पे, हाई लगाया 38.84 रुपये का, लो लगाया 37.70 रुपये पे, और क्लोथिंग देता है 38.61 रुपये पे। 52 वीक हाई और लो अगर हम देखेंगे तो 30 रुपये का लो लगाता है, 52.85 रुपये का हाई लगाता है। अपर प्राइस बैंड और लोअर प्राइस बैंड अगर आप देखेंगे तो 20% का सर्किट है, ये चीज़ आप अपने जहन में रखिएगा। यहाँ पर मार्केट कैप देखिए, ठीक ठाक है मार्केट कैप, ठीक ठाक क्या, बढ़िया मार्केट कैप है। जिस हिसाब से शेयर का प्राइस है, 19,671 करोड़ का मार्केट कैप है। तो यहाँ पर आप इसको पैनी स्टॉक नहीं कहेंगे, बिल्कुल यहाँ पर अच्छा खासा मार्केट कैप है। स्टॉक का PE अगर आप लोग देखेंगे तो 46 रुपये के आसपास है, और इंडस्ट्री का जो PE है वो 29 रुपये के आसपास है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 46 रुपये, तो मतलब ऑलमोस्ट आसपास ही चल रहा है। ROC और ROE की बात करेंगे हम लोग तो 11.9% ठीक है। यहाँ पर जनरली 15% से ऊपर अच्छा माना जाता है, लेकिन ये भी बुरा नहीं है। प्रमोटर होल्डिंग में देखिए जबरदस्त आपको देखने को मिली, 73.2% के आसपास कोई भी प्रमोटर होल्डिंग गिर भी नहीं पड़ी, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। डेट अगर आप देखेंगे तो 1664 करोड़ है, जो कि डेट टू इक्विटी बनाता है 0.40, तो एक से काफ़ी कम है, ठीक है। यहाँ पर 52 वीक हाई लो हम लोग देख चुके हैं, बुक वैल्यू आपको 8.14 रुपये के आसपास दिख रही है। तो यहाँ से आपको लगभग 3-4 गुने के आसपास, आपको 4.5-4.75 गुने के आसपास यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। इंट्रिंसिक वैल्यू आपको 9.57 रुपये, वहाँ से भी आपको काफ़ी महंगा देखने को मिल रहा है फिलहाल। तो यहाँ पर हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो FII अगर आप देखेंगे तो मार्च वाले क्वार्टर में आप देखिए 2.55 थे, 2.65% हो गए, और DII अगर आप देखेंगे तो 0.06 से 0.05 पर फिर से आ गए हैं। गवर्नमेंट का कोई स्टेक नहीं फिलहाल। पब्लिक अगर आप देखें तो 22.85% है, बहुत ज़्यादा पब्लिक नहीं है। और मैं हमेशा कहता हूँ जहाँ पब्लिक बहुत ज़्यादा वहाँ पर आपको सावधान रहना है, जहाँ पब्लिक कम है तो ठीक है। और बाकी अदर्स अगर आप देखेंगे तो 1.25% है, और नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स देखिए आप लगातार आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, और मार्च वाले क्वार्टर में तो आप देखिए 21,18,064 यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। ये नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हैं गाइस, नंबर ऑफ शेयर से कंफ्यूज मत करिएगा। प्रमोटर अगर आप देखेंगे तो 72, 72, 72, 73 प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग्स को बढ़ाया है यहाँ पर मार्च 2023 वाले क्वार्टर में। रिटर्न्स की हम लोग बात करेंगे तो आप देख पा रहे हैं ईयर टू डेट 6% प्लस, 1 वीक -3%, 1 महीने में 5% प्लस, 3 महीने में 15% माइनस, 6 महीने में 10%, 1 साल में 24% रिटर्न, 2 साल में 27% माइनस, 3 साल में 186 और 5 साल में 479% रिटर्न दे चुका है। वॉल्यूम की बात करेंगे तो 1 करोड़ का वॉल्यूम इसने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जनरेट किया था, यानी कि शुक्रवार को। बृहस्पतिवार की बात करेंगे तो 1 करोड़ 1 वीक एवरेज, 1 करोड़ 1 मंथ का एवरेज आपको 2 करोड़ देखने को मिल रहा है। लेकिन वही डिलीवरी परसेंटेज की बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलता है। 1 मंथ का एवरेज लगभग 30% है, 1 वीक एवरेज लगभग 30% है, बृहस्पतिवार को लगभग 33% डिलीवरी उठाई गई है, और शुक्रवार को देखिए काफ़ी कम, 25 से 26% के बीच में लगभग डिलीवरी उठाई गई है। हम लोग बात करते हैं चार्ट की और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या संभावना निकल कर आती है। यहाँ से अच्छी खासी गिरावट के बाद अब आपको ये इस ट्रेंड लाइन पे आपको चलता हुआ देखने को फिलहाल मिल रहा है। यहाँ पर 30 रुपये का जो लेवल है वो गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, और 30 से 45 रुपये की जो रेंज है ना, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 30 से 45 रुपये की रेंज लगातार आपको उसमें काफ़ी टाइम से अच्छे खासे, बल्कि सालों से आपको वहीं देखने को मिल रहा है। एक बार 50 रुपये का लेवल ब्रेकआउट होता है तो फिर आपको अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और अभी आप देख पा रहे हैं कि अपने जो 50 EMA और 100 EMA और बिल्कुल 200 EMA पे बिल्कुल इसने क्लोथिंग दी है। तो यहाँ से अगर नीचे जाता है तो यहाँ पर आप देखिए लगभग इसी रेंज में आता है, जैसे 200 EMA पे आपको बाउंस बैक देखने को मिलता है। यहाँ से एक बार नीचे आया तो फर्दर आपको हो सकता है और गिरावट देखने को मिले, लेकिन 30 रुपये से नीचे जाने की संभावना नहीं दिखती है मुझे। देखिए ये मेरे पर्सनल व्यूज होते हैं, साफ-साफ बोलता हूँ, गलत होने का अधिकार मैं रखता हूँ, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। मैं कोई से भी रजिस्टर्ड अर्निस्ट नहीं, वीडियो पे ओनली आपकी
एजुकेशनल पर्पस के लिए होते हैं, जिन्होंने ऊपर ले रखा है गाइस, है ना, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, समय लगेगा, लंबे समय के लिए जिन्होंने ले रखा है बिल्कुल यहाँ पर टेंशन लेने की बात नहीं है। RSI की बात करेंगे तो यहाँ पर 44.41 दिख रहा है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर नहीं है, बहुत ज़्यादा मजबूत भी नहीं है। तो चलिए गाइस, आशा करता हूँ सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। आपको कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, जल्दी मैं सभी को रिस्पॉन्ड करता हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।